चंद्रस रोड़ा है, यहाँ पे जो बिल्डिंग के नीचे जो मीटर बॉक्स है वो बॉक्स में शॉर्ट सर्किट या किसी वजह से आग लग गई, उसकी वजह से सब नीचे आदमी सब ऊपर से आदमी ये अपना ये जो टेरकेस से दूसरे टेरकेस में से उसको ट्रांसफर किया। आग लगी थी, इसका प्राथमिक रूप से आपको क्या कारण पता चला है? ये बारिश की वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम से आग में कुछ नुकसान हुआ है, कोई घर जले है, कोई नहीं, अभी तो इस देश स्थिति तो सर बोलेगा तो सर मीटर बॉक्स का ये ऊपर तो कुछ इतना नुकसान नहीं हो गया, लेकिन नीचे हो गया पूरा नुकसान, मीटर बॉक्स का पूरा नुकसान हो गया। कुछ लोग फंसे होने की जानकारी मिली थी हमें? हाँ, लोग फंसे होते तो वहाँ से जो ऊपर टेरेस से दूसरे विंग से उसको बाहर निकले गए। अभी सब कंट्रोल में पूरा, हमारे सब फायर स्टेशन सब गाड़ी आ गया और हमारे सब फायर ऑफिसर जवान सब आ गया और सब कंट्रोल में, अभी कोई डरने की बात नहीं, कुछ जानी हानि हो गई। मेरा नाम रफीक शेख है, मैं दक्ष नागरिक संघ का यहाँ पर जिला अध्यक्ष हूँ थाने का, और यहाँ पर अभी 15 मिनट पहले इस बिल्डिंग में आग लगी थी और यहाँ पर एक फैमिली ट्रैप हो गई थी एक फ्लैट के अंदर एक बच्ची की एक औरत की चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, तो सब लोग दौड़े हम लोग यहाँ पर और कुछ नौजवान ऊपर खिड़की में चढ़कर उस विंडो ग्रिल को तोड़ने की कोशिश करके उनको बाहर निकाल रहे थे। उतने में दही हंडी पतक के यहाँ से कुछ बाइक पर बच्चे गुजर रहे थे, नौजवान गुजर रहे थे, उसमें के एक नौजवान ने अपनी हिम्मत बताते हुए ऊपर जाकर अपने साथियों के साथ में ऊपर से उस फैमिली को एस्कॉर्ट करके नीचे उतारा, बचाया उस खिड़की से निकाल कर, और उन्होंने बहुत अच्छी मिसाल पैदा की यहाँ पर कि आज दही हंडी के दिन वो दही हंडी का फोड़ने के अवसर पर जा रहे थे कहीं पर, लेकिन यहाँ पर रुक कर मुस्लिम भाइयों के साथ में उस फैमिली को बचाने में अपना उन्होंने योगदान दिया। तो मैं हमारे इन हिंदू भाइयों का भी मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ये ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन पे उन्होंने अपने त्यौहार को बाजू में रखते हुए यहाँ पर इस फैमिली को बचाने में हेल्प की है। यहाँ पर ये जो आग लगी थी या जो कुछ इंसिडेंट हुआ था वहाँ पर फायर ब्रिगेड को पहुँचने में कितना समय लगा और अभी क्या स्थिति है? सर, यहाँ पर जैसे ही लोगों की चीख पुकार सुनी और लोगों ने सबने फोन किया फायर ब्रिगेड को, तो 10 से 12 मिनट में यहाँ पर तुरंत फायर ब्रिगेड आ गई है और अभी उन्होंने काम अपना शुरू कर दिया है, लेकिन जो एक पहले पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई थी तो उसमें स्थानिक यहाँ के जो नगर नया नगर के जो नौजवान है उन्होंने तथा जो दही हंडी पतक के कुछ नौजवान थे उन्होंने यहाँ पर रेस्क्यू का काम बहुत तेजी से किया, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हम लोग इधर दूसरे माले पे रहते हैं 203 में रूम नंबर, अभी भी आए हम लोग, अभी आज एक महीना हुआ 7 तारीख को। क्या हुआ था? ये हुआ कि हम लोग को ना धुआं धुआं ऐसा लगा और इधर सब पब्लिक जमा हो गई और बाहर हम लोग दरवाजा खोले ना तो पूरा धुआं धुआं बाहर, पब्लिक ऐसा बोलने लगी कि आप है ना ऊपर टेरिस पे से निकल जाओ, लेकिन हम लोग जो निकलने लगे ना तो और काला काला सब, हम लोग चाली में नहीं निकल पाए तो मेरी बच्ची डर गई तो वो चिल्लाने लगी, बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी और फिर इधर से पब्लिक आई ऊपर चढ़ी और हम लोग को ना ताला तोड़े और निकाले हम लोग को। आप लोगों को कौन निकाला कुछ आपको याद नहीं? नहीं, वो नहीं मालूम है हम लोग को कौन निकाला, ऐसा नहीं मालूम, बस वो हाँ वो पब्लिक ऊपर चढ़ी और निकाले हम लोग। पथक वाले यहाँ से जा रहे थे वो ऐसा भी नहीं मालूम है हम लोग को, क्योंकि मेरी जान थी वो सोए थे वहाँ पे, ये बच्ची चिल्ला रही थी वैसे में कोई हम लोग को मालूम नहीं है कुछ भी, बस निकाले उतारे वही हम लोग को मालूम है बस। क्या आप वो बता सकते हैं कि यहाँ पर आपका भी कितना नुकसान हुआ रहेगा? और इस अभी हम लोग को घर में, हम लोग खिड़की में ही थे, हम लोग को घर में नहीं है, घर में गए ही नहीं है ना, अभी नीचे ही उठ रहे इधर से वो भी। मेरा नाम कौशल घोगारी है, तो मेरी फैमिली जैसे कि सबको पता है फंसी हुई थी यहाँ पर, सेकंड फ्लोर पे रहते हैं हम लोग चंद्रेश रेसिडेंसी में, तो मैं उन दो लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच। वो जो दोनों भाई जो यहाँ से गुजर रहे थे सिर्फ बाइक लेके और उन्होंने देखे कि यहाँ पे मेरी फैमिली चिल्ला रही है फंसी हुई आग में, तो उन्होंने विंडो के जरिए उन लोगों को निकाले, तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ उनका। ओह अच्छा, तो वो जो दोनों भाई है मुझे अभी पता चला है कि वो लोग दही हंडी फोड़ने आए थे और उन्होंने मेरी फैमिली को रेस्क्यू किया। हाँ, थैंक यू।